हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी नसें दबने लगी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो चुका है, तो इसका इलाज कैसे किया जाए। इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ सबसे पहले कि आपको कौन सी चीज़ों का परहेज करना है, यानी कौन सी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो चुका है, यानी नसें दब चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं। इसके अलावा इसके आखिर कारण क्या है, किन कारणों से ये होता है, इसका इलाज क्या है। यदि आपके शरीर में नसें कमजोर हो चुकी हैं, तो उनका इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर क्या पहचान के रूप में सामने आता है, ताकि इसका इलाज करने में हेल्प मिल सके। यदि आपकी याददाश्त कमजोर पड़ने लगी है, तो समझ जाइए कि आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, तब भी यही संकेत है कि नसें कमजोर हो चुकी हैं। ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होने के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, जब हम अचानक से खड़े होते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, तो इसका मतलब भी यही है कि आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं। अपच होना, अनिद्रा होना, या फिर शरीर में खून की कमी भी हो चुकी है, तो ये भी ये दर्शाता है कि आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं नसें कमजोर होने के कारण क्या है, किन कारणों से, क्या रीजन है इसके पीछे कि हमारी नसें कमजोर पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे तीन कारण है। अगर इन तीनों कारणों का हम हल कर दें, तो ये समस्या भी अपने आप दूर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले है अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, दूसरा पोटेशियम की कमी है, और तीसरा है मैग्नीशियम की कमी है। इन तीनों चीजें अगर अपनी बैलेंस से कम हो चुकी हैं, तो दोस्तों नसों की कमजोरी, नसों में ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि विटामिन B12 हमारी नसों के ऊपर एक माइलिन, एक कवरिंग की तरह काम करता है, एक सेफ्टी कवरिंग की तरह काम करता है। अगर ये B12 है ही कम हमारी बॉडी में, तो वो कवरिंग जो नसों के ऊपर होती है, वो भी कमजोर पड़ जाती है, और नसें कहीं से भी मुड़ सकती हैं, कमजोर हो सकती हैं। तो दोस्तों, परहेज के तौर पर आपने ज्यादा नमक, ज्यादा शक्कर और आइसक्रीम, बहुत ज्यादा मीठा, इन चीजों का सेवन आपने बिल्कुल बंद कर देना है। इसके अलावा आपने ऑयली फूड, रिफाइंड वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी, फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना। ऐसा नहीं है कि हम अगर ये फास्ट फूड वगैरह खाएंगे तो विटामिन B12 जो ले रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन कारण ये है कि जब भी हम ऐसी चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड या रिफाइंड ऑयल वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी आंतें सही से काम नहीं कर पाती, जिसके कारण हम जितनी भी अच्छी डाइट ले लेते हैं, वो हमारी बॉडी को लग ही नहीं पाती, अवशोषित नहीं हो पाती, बल्कि मल के द्वारा शरीर से बाहर हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो कि हमारी पाचन शक्ति को बढ़ा सके, और जो भी हम न्यूट्रिशन या फिर जो भी मिनरल्स लें, वो हमारी बॉडी को डायरेक्टली मिल सके। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हमने करना क्या है, ताकि इसके इलाज के तौर पर नसों की कमजोरी दूर हो सके। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इलाज आपको जरूर बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है। इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी होता है, विटामिन ई भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जो नसों को मजबूती देने का काम करता है। दूसरे में आपने क्या करना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें खानी है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में होता है अखरोट में, अलसी में, मछली में। इनमें अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो नसों की कमजोरी को दूर करता है। आप किशमिश खाने की आदत डालिए, किशमिश नसों की कमजोरी को दूर करती है। आप कभी कभी डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं, ये भी नसों की कमजोरी को दूर करती है, लेकिन ध्यान दीजिए रात के टाइम खाकर सोइएगा नहीं। इसके अलावा ब्रोकली को भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए, वो भी एज ए सैलेड, सब्जी बनाकर आपने नहीं खाना। ब्रोकली खाने से भी नसें मजबूत होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने कुछ प्राणायाम करने हैं जो नसों की कमजोरी को दूर करते हैं। वैसे तो सारे प्राणायाम और योगासन हमारे लिए काफी फायदेमंद होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास ऐसे हैं जो नसों की कमजोरी को दूर करते हैं, वो आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है भस्त्रिका और दूसरा है अनुलोम विलोम। ये दोनों आपने रोजाना जरूर करने हैं, ये नसों की कमजोरी को दूर करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इलाज कौन सा करना है जो कि नसों की कमजोरी को दूर करे, बॉडी में विटामिन B12 की कमी को भी पूरा कर दे, उसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी हो और मैग्नीशियम भी हो, यानी वो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको एक ही चीज में मिल जाए। दोस्तों, वो है पंपकिन सीड, यानी कि कद्दू के बीज। पंपकिन सीड कितनी मात्रा में खाना फायदेमंद होगा, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे ना कि बहुत सारे खा लेते हैं एकदम से हमारे अंदर सारे न्यूट्रिशन आ जाएंगे। दोस्तों, सिर्फ एक चम्मच रोजाना आपने पंपकिन सीड का सेवन करना है, एक चम्मच से ज्यादा नहीं करें, क्योंकि ये पचने में थोड़ा भारी होते हैं। सीड्स चाहे कोई भी हो,
सभी सीड्स पचने में भारी होते हैं, इसीलिए दोस्तों सिर्फ एक चम्मच ही पंपकिन सीड का सेवन करना है। आप इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करके, हल्का सा सूखा रोस्ट करके, यानी इसको पाउडर बनाकर रख सकते हैं। एक चम्मच दूध में मिक्स करके ले सकते हैं, अपने आटे में मिक्स करके ले सकते हैं, सैलड के ऊपर डालकर ले सकते हैं, दही में डालकर ले सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरीके से सेवन कीजिए, लेकिन एक चम्मच से ज्यादा सेवन नहीं करें। इसके अलावा आप इसे पकाकर सेवन नहीं करें, क्योंकि जब आप इसे पकाकर सेवन करेंगे तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी। पंपकिन सीड जो बहुत नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, उनका सेवन करने से नसों की कमजोरी दूर हो जाती है। नसों में कमजोरी के साथ साथ बॉडी में विटामिन B12 की कमी भी पूरी हो जाती है। इस पंपकिन सीड के अंदर अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम भी होता है, जो कि हमारी हड्डियों को भी मजबूती देने का काम करता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको नसों में ब्लॉकेज रहती है, कमजोरी रहती है, नसों में ऐंठन बहुत ज्यादा रहती है, नसों में दबाव हो चुका है, या नसों से संबंधित कोई भी रोग हो चुका है, तो आप पंपकिन सीड का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा आपने हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है और भस्त्रिका और अनुलोम विलोम जरूर करना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपके काम की है, तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।